नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नवीन ओपीडी भवन में मेडिकल टीचर एसोसिएशन डॉक्टर अमिता शर्मा डॉक्टर मनोहर भाटिया के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि प्रशासन के द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें प्रशासन के अधिकारी एसडीएम एडीएम को नियुक्त किया जाएगा। व्यवस्थाओं को लेकर जिसका मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासन इस फील्ड में नहीं जानते, इसलिए उन्हें हमारे फील्ड के मेडिकल कॉलेज डीन मेडिकल अधीक्षक के अधिकार बढ़ा देना चाहिए या उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे वो इन व्यवस्थाओं को देख सकें। प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई या प्रस्ताव पास हुआ तो मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरीके से हड़ताल कर देगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। अभी यह प्रस्ताव है कैबिनेट में आज प्रस्तुत हुआ है, अभी इसका फैसला नहीं लिया गया है। वर्तमान में तीन तरह के स्तर पर आयुक्त, फिर उसके बाद कमिश्नर और उसके बाद संभायुक्त के स्तर पर मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। उसके बाद एक और प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करके सरकार कौन से स्तर को सुधारना चाहती है, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना चाहती है, ये हम लोगों की समझ से परे है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं, तो डीन को एमएस को अधिक सशक्त बनाएं, अधिक एम्पावर करें। आप चाहें तो